हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रोटेशनल मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। उससे रिलेटेड ये सवाल है। देखेंगे, एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें कि एक रॉड है और रॉड के दोनों एंड को दो डिफरेंट स्ट्रिंग से लटका दिया गया है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, क्या कहा गया है। कहा गया है, शोन इन फिगर इज रिजिड एंड यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग रॉड ए बी हेल्ड इन हॉरिजेंटल पोजिशन बाई टू स्ट्रिंग्स टाइड टू इट्स एंड्स एंड अटैच टू द सीलिंग। द रॉड इज ऑफ मास एम एंड हैज अनदर वेट ऑफ मास 2 m हंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। देखेंगे, ये है पॉइंट ए, या कह सकते हैं कि एंड ए है, और ये है एंड बी। तो एंड ए से 75 सेंटीमीटर पर दूसरा मास लटकाया गया है। जो रॉड है, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी उसका मास जो एम है वो यहाँ पर कहीं होना चाहिए बीच में, ऐसा मतलब एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, तो आगे पूछा गया है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ए, मतलब कि यहाँ पर जो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये हमें पता करना है। ठीक, तो ये कहा गया है कि ये हॉरिजेंटल पोजीशन में है, यानी कि अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो हम लोग जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करके टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को नीचे यहाँ पर लिखता हूँ। देखें, यहाँ पर ये नीचे वो डायग्राम मैंने यहाँ पर पहले से जो है पेस्ट कर दिया है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है एंड ए। तो सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन हमने मान लिया है टी ए, और ये है एंड बी। यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन हो गया सपोज टी बी। तो टी बी हमें नहीं फाइंड करना, हमें टी ए फाइंड करना। यहाँ पर एक ब्लॉक लटकाया गया है 2 m मास का, तो इसका खुद का वेट आएगा 2 mg, है ना। यहाँ पर जो वेट आएगा इसका वो होगा 2 mg, और चूंकि रॉड यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर 50 सेंटीमीटर का जो ये स्केल बनाया गया है वहीं पर होगा, और यहाँ से उसका टोटल वेट माना जा सकता है कि लग रहा होगा mg। अब हम लोग इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं, तो वैसे दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को यूज करेंगे तो दो इक्वेशन आएंगे, और फिर हम लोग दोनों अननोन यानी कि टेंशन टी और टेंशन टी भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी तो क्वेश्चन में एक ही अननोन पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से निकल जाएगा। तो वो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। जैसे ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी के अबाउट मैं चाहता हूँ कि नेट टॉर्क निकाल करके उसको हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी और एंड बी। तो यहाँ पर तीन फोर्सेज हैं जिनका टॉर्क आएगा। एक तो टी ए जो टेंशन है इसका टॉर्क आएगा, फिर इस एम जी का टॉर्क आएगा, फिर इस 2 mg का टॉर्क आएगा। जो टी बी टेंशन है उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन एंड बी से ही पास कर रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं इस टेंशन टी ए का, ये हो जाएगा टी ए इंटू 100 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ठीक है, आप देखेंगे ऐसा मान सकते हैं कि जो पॉइंट बी है उसको अगर हिंज कर दिया जाए तो जो टी ए फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा इसको, है ना, कुछ इस तरह से घुमाने कोशिश करेगा। तो सपोज क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो ये जो 2 mg लग रहे हैं, 1 mg यहाँ पर लग रहा है और दूसरा 2 mg यहाँ लग रहा है, ये दोनों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने कोशिश करेंगे, नीचे से ले जाएंगे, और इसलिए ये इनका टॉर्क जो है वो अपोजिट साइड में होना चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं निगेटिव ले लेता हूँ,
क्योंकि क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया था तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे। तो ये जो एम जी है इसका टॉर्क आएगा एम जी इंटू 50 सेंटीमीटर। उसी तरह से 50 सेंटीमीटर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जो एंड बी है यहाँ से इस फोर्स का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, उसके बाद ये जो 2 एम जी है उसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज यानी निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स है 2 एम जी और जो एंड बी है वहाँ से डिस्टेंस आप देखेंगे है ना, ये 75 लिखा गया है यहाँ पर और यहाँ पर बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा 25 सेंटीमीटर है ना। तो ये हो गया टॉर्क जो कि कुल मिलाकर होना चाहिए 0। तो यहाँ से हम लोग टी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं है ना। पहले तो ऐसा करते हैं, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो 4 टी ए इज इक्वल टू 4 एम जी हो गया है ना, 2 एम जी यहाँ पर, 2 एम जी यहाँ पर, राइट हैंड साइड में गए, 4 4 कैंसिल हो गया तो टी ए का जो वैल्यू है वो एम जी हो गया है ना। तो ये जो है एम जी करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है उसमें आंसर दिया गया है 1 एम जी है ना, तो जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया एम जी यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन।